हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जा करके उसको वो एक कहते हैं जब बारिश होती है तो छाता खोल दिया जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक कंट्रोल लाइन रहनी चाहिए। देखो लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को और खास करके हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, ये फिल्म फेस्टिवल आप जो कर रहे हैं, व्हाट इज योर मैसेज टू देम? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो है कुछ नया देखना चाहते हैं, हमारे जो नई जनरेशन आई है वो कुछ नया करना चाहती है, और जो नया करना चाहती है वो चीज़ सिर्फ हिंदुस्तान तक ही ना रहे, दुनिया के 250 कंट्री में इसका मैसेज जावे और अच्छा जावे। अभी डोली जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो वेब सीरीज आई है उसमें कोई सेंसरशिप नहीं है, तो नहीं आने के इससे क्या है कि आने वाले हमारा जो जनरेशन है वो इतना फ्री और फ्रैंक हो गया है कि वो एक्टिंग नहीं करते हैं, वो रियलिटी ही दिखा रहे हैं, बट इन द लिमिट। नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता को लेकर, तो आपका क्या टेक, क्या कहोगे? मैं शुरू हो जाऊंगी तो ये मामला अभी खत्म नहीं होगा, तो आप शॉर्ट एंड स्वीट में, व्हाट आर यू शॉर्ट एंड स्वीट नहीं हो सकता, बहुत सारी इस पे अपने आप में लूपहोल्स हैं, क्योंकि जहां रहा सवाल सिट्टा का, सिट्टा को कंप्लेन गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एफ आई आर के सिट्टा के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप सिट्टा में आते हैं तो आप एफ आई आर नहीं कर सकते हो, तो जो एफ आई आर हुआ था वो गाड़ी को लेकर के एफ आई आर हुआ था, तब जो एफ आई आर हुआ था 2008 में, सरकार किसकी थी, कमिश्नर पुलिस कौन थे, वो इंस्पेक्टर ने एफ आई आर लिया या नहीं लिया उसके बारे में हम जानकारी रखते नहीं हैं ज़्यादा, जो कंप्लेन जो पेपर्स देखे हैं उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, जितना नॉलेज है जो पेपर्स देख के है। ये मामला जो है उसके बाद सिंटा में ही वर्ड यूज़ हुआ है कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट का, तो ये सब क्या हो रहा है मैं पूछना चाहती हूँ। आई एम टू शॉक्ड विथ ऑल दिस थिंग्स। एक जगह में वहाँ पे ऐसा हुआ है कि विड्रॉ हुई है सारी, पैसे को लेके बात हुई है, उनका एक एक्स अमाउंट था, एक्स अमाउंट की जो मीटिंग हुई है, पेपर आपके पास होंगे सारे शहर, एक्स अमाउंट था तो एक्स अमाउंट उसके बाद लिया गया, फिर और पैसे मांगे गए, वो पैसे ना किए तो उसके बाद विड्रॉ हुआ है, फिर कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, फिर कॉम्प्रोमाइज वर्ड यूज हुआ है या सेटलमेंट हुआ है। तो मैं सोच में हूँ, और मैंने काफ़ी न्यूज़ वालों से जो बात हुई थी, जब वो आई है 3 महीना या 4 महीना हो गया तनुश्री को आते हुए हिंदुस्तान में, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं समाज में, पर मैं बोलना चाहूँगी इस बारे में जो सुनने में आई है बात। कोई कहते हैं कि मी टू के अमेरिका से फंड्स आए हैं उसको, कि वो मी टू प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो 10 साल का जो लोग कह रहे हैं। सी, मैं यहाँ पर मैं कोई अपना फ्रैंक ओपिनियन नहीं रख रही हूँ, मैं वो शेयर कर रही हूँ जो मालूम हुए हैं। कोई बोलता है कोई एनजीओ फंड कर रहा है तनुश्री को ये मी टू को फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कोई कहता है हुआ है आपके साथ, मैं उसके बारे में बात नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ और चीज़ें बोल रही हूँ। जो ये 10 साल के जो प्रश्न उठे जा रहे हैं, जायज़ है नहीं जायज़ है, वो तो जो हुआ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डर फैक्टर जो होता है कभी कभार जो डर फैक्टर आता है एक महिला में जब हुआ है वो वाक्या, मेरे हिसाब से पवन भरद्वाज का जो हमने वीडियो देखा है, फिर उसके बाद उसने इंटरव्यू भी दिया है पंचर हुआ, तो वहाँ तो मुझे मीडिया के भाई लोग दिख रहे हैं, तो एमएनएस के लोग तो है नहीं, तो राज ठाकरे को क्यों कोसा जा रहा है? मैं ऐसे नहीं बोल रही, मराठी मानुस है नाना भाई और राज भाई, इसलिए मैं इनके बारे में बोल रही हूँ। मैं एक अपने हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रही हूँ। ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लूप होल समझ में आ रहे हैं कि आप ठीक है मैं महिला हूँ तो इसका मतलब जैसे वो झुंड का झुंड चला जा रहा है उस तरीके से मैं भी हाँ नहीं ये अच्छा है मी टू है बोलिए अपने आप के एक्सपीरियंस बोली। हमें किसको प्रूफ करना है, पहला पॉइंट ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारे हिंदुस्तान में कानून है, कानून अपने आप से चलता है। मीडिया में जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा था वो आप लोग सुनने में ऐसा आया कि समझ में आ रहा है कि यूज़ किया गया, मीडिया को यूज़ किया गया, मीडिया को इस्तेमाल किया गया। इतने टाइम से आप डिफेमेशन कर रही हैं एक बंदे पर, वो भी किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक तरफा बात कहना नहीं चाह रही, ना मैं न्यूट्रल बोल रही हूँ,
वो बात और है, आपने कंप्लेन नहीं करी, अब इतना बोल बोल के लोगों ने कहा कि आपने अब तक कंप्लेन क्यों नहीं करी, मैंने आपको वो वाक्य मिलेगी 2008 में, 2008 में कमिश्नर साहब कौन थे, 2008 में आपका FIR नहीं लिया तो वो वर्दी आपके FIR के जो साइन है वो इंस्पेक्टर का वो साइन खोली ना, कौन है वो आदमी, उसको पूछिए ना इनका FIR क्यों नहीं लिया गया, इसमें होमवर्क करिए ना, इसमें पीछे जाइए ना, इसको कुरेदिए ना, इनका FIR क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद आप सिंटा में आपने मीटिंग करी है, हाँ सिंटा में फोन करके सिंटा वाले आए थे और शूटिंग रोकी थी, सिंटा वाले आए थे तो इसलिए मीडिया आया हुआ था, मीडिया क्यों आया था वहाँ पर, मीडिया आने का मतलब यही था कि सिंटा में इसने फोन किया था, इनका जब इशू था दवाई थी सिंटा तो तब जाके शूटिंग रोकी गई। अब मेरे को ये समझ में, बहुत सारे लोगों से जो सुनने में आ रहा है वो मैं शेयर करना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि क्या है क्या नहीं, सबको ऐसा होता है कि हाँ आप भी बोलें आपको भी बोलना चाहिए, बोला देखिए बात है, आप समझदार हैं, समझ में सबको आता है, कोई रोटी को चोची नहीं बोलता है, कानून का मिसयूज किया जाता है आजकल समाज में, आप महिला हैं तो इसका मतलब आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेट मी कंप्लीट, मैं ये नहीं कह रही, बट गेट द फैक्ट्स राइट, इसमें आप पूरे देना, मेरा खाली एक ही प्रश्न है, सिर्फ वन, आपका जब मीटिंग हुई उसके बाद आपने पैसे मांगे, ज़्यादा नहीं मांगे प्रोड्यूसर से, आपने बोला मुझे और पैसे दो, आपकी एक एक्स अमाउंट में डील हुई थी वो गाने के लिए, आपने गाना छोड़ा, आपने कंप्लेन भी नहीं करी राखी सावंत ने, जब भी राखी सावंत को लिया गया, एक कंप्लेन होती है कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट छोड़ती हूँ तो दूसरा आर्टिस्ट को जब भी वो प्रपोज किया जाता है दूसरा आर्टिस्ट को कंप्लेन करना चाहिए था कि आपने, शायद इसलिए नहीं किया होगा कि उसने खुद छोड़ा, इसीलिए इतनी आसानी से दूसरा आर्टिस्ट वो नहीं ले सकता है, ये रूल्स हैं सिंटा के। देखिए सिंटा इसीलिए है कि ये सब इश्यूज जो है सॉर्ट आउट करें। अब ये है कि बातें बहुत सारी है, जबान दी है ऊपर वाले ने, कलयुग है, बहुत सारे इश्यूज हैं, आप कुछ कह रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नाना पाटेकर है और एक बहुत बड़े स्टार है, तनुश्री भी है, 10 साल पहले का किस्सा है ये सारा फिल्म स्टार का, उस टाइम पे मैं भी था, आई वॉज ऑल्सो देयर, लेकिन ये 10 साल पहले के, लेकिन मैं 10 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, एक शख्स मेरे यहाँ पे है, फरहान कहाँ बैठे हो, यहाँ आइए फरहान, यहाँ आइए, चेयर लीजिए, ये जो शख्स आपके सामने आए हैं इनका नाम इधर है, चेयर रखिए, इसको मैं बोला करता हूँ, ये जो शख्स है इनका नाम फरहान मिर्जा है, ये मशहूर लेखक मिर्जा वर्दस के बेटे हैं, इनके फादर ने कस्मे वादे, लव स्टोरी और कई फिल्में बनाई, इन्होंने भी एक लड़की से शादी किया जो हीरोइन है जिसका नाम है चाहत खन्ना, चाहत खन्ना की हिस्ट्री यही बताएंगे पास क्या है, लेकिन चाहत खन्ना ने 2 बेटियों को जन्म देने के बाद में अब इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो क्या है, क्योंकि आज की जो लड़कियाँ है सो कॉल्ड हीरोइन, वो जब तक के अपना टाइम पास करना होता है कर लेती है और टाइम पास करने के बाद में नया बकरा ढूंढती है, सॉरी टू से दिस वर्ड, बकरा इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, सर आप सामने आइए इतने दिन से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, आप क्या करोगे? मैं ये कहना चाहता हूं, एनी गर्ल हैरेस्ड हैज टू बी प्रोटेक्टेड, बट ये कहते हुए सिंपली मैं कहता हूं ये कंट्री इज नॉट रेडी टू हैंडल दिस सिचुएशन, वी डू नॉट हैव committee in place, whether it is CINTA or even in the legal system to handle this. We do not have. We are hypocrites. We admit that we are hypocrites and we will never be able to handle this situation. The Western people are still trying to handle it. We are far behind. We might think we are intelligent enough to handle it. We are not ready to handle it. This is the unfortunate reality of India. हम औरतों को भगवान का रूप दे करके पूछते हैं, बट बोथ एंड आई एम सेइंग इट, वी मिसयूज आवर पावर एज मेन, एट द सेम टाइम टुडे वुमेन हैव बिकम आउटस्पोकन एंड अनफॉर्चुनेटली सम, आई एम नॉट सेइंग ऑल, देयर कुड बी सम दैट कुड मिसयूज दिस पावर
and as Raju has said, the law, the law can twist the law also. So you need a committee in this. You need rules and laws, and we have to humko educate karna hai logon ko what is the right etiquette in workplace. Ke aap ladies aur women ke saath kis tarike ka bartav karte hain. You have to educate. So there's a whole lot of thing, aur ye overnight nahi jane wala hai. This is the unfortunate thing. Humko inculcate karna hai, process inculcate karna hai, and you have to have a committee which is going to be unbiased. That, unfortunately, I don't know how that's going to happen. Because here, as it is, as much as I respect the judicial system, it's a reality that even though improve ho gaya, laws are becoming stricter. Implement nahi karte. Implement thoda faster ho gaya, but it's still justice delayed is justice just denied. So samay lagta hai yahan pe. That's the unfortunate reality. That doesn't mean we shouldn't do anything. We have to. So you have to have committees in place and proper committees that will take action. Why is it you have to go to NGOs, we have to go to Women Santa, in numbers we have to take support to make a voice be heard. You get tired, you get frustrated, you get worked up, aap thak jate hain, tarikh pe tarikh, court pe jayenge, tarikh pe tarikh, FIR lene jayenge, FIR dene jayenge, police wala section nahi dalega, jis hisab se section lagne chahiye, wo nahi dalega. अभी गोरेगांव में किसी महिला को स्टैप कर दिया, उसमें सेक्शन का गड़बड़ी हो गई है. तो इस तरीके से अगर समाज में, हमारी सोसाइटी में इस तरीके से माहौल क्रिएट होता है, तो एक क्या होता है, जो असलियत चीज़ें होती है, जो रियल तकलीफ महिला होती है, उनको जस्टिस नहीं मिलती है. पर अगर आप बिकॉज ड्यू टू फॉल्स प्रोपेगेंडा, आप पर्सनली अगर नाना पाटेकर को जानते हो या तनुश्री को जानते हो, तो एक हमें एक थोड़ा ये होता है ना, सॉफ्ट करके, नहीं दिस पर्सन मे बी नोइंग दिस पर्सन फॉर सो मेनी इयर्स. देखिए उसके, देखिए जिसके साथ आप बीतती है, पहला पॉइंट ये है, हम यहाँ पे कोई जज करने वाले, वी आर नॉट सम फॉलोअर्स दैट वी आर गोइंग टू टेल यू नो कि हमने, हम हमारे साथ क्या है. जिसके साथ जो आप बीतती है, उससे ज़्यादा, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इशूज़ को. हाँ, ये बोलना कोई अपने आप को बड़ा नहीं बना देगा कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं. असलियत क्या है, हकीकत क्या है, आप इसमें कुरेदे ना. मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ ना, कुरेदे. FIR का उस समय इंस्पेक्टर कौन था, इसका FIR क्यों नहीं लिया गया, पहला पॉइंट टू बी नोटेड. आई एम टॉकिंग टू द पॉइंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाना जी, आई एम टॉकिंग अबाउट तनु. मैं किसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपको खाली असूलन बता रही हूँ, समाज के लॉस के बारे में, कानून के बारे में बता रही हूँ. उस समय अगर वो FIR नहीं हुआ, कारण क्या है, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसमें कुरेदी ने FIR क्यों नहीं लिया गया, बात खत्म है उधर ही. आपने FIR जब गाड़ी का किया है, तो वो FIR क्यों नहीं हुआ, उसका इंस्पेक्टर कौन था जिसका सिग्नेचर है, वो खोलिए ना, उतारिए उसकी वर्दी. जब महिला बोलते हम पैनिक बटन दबाएंगे, आप पैनिक बटन लेंगे, हम पैनिक बटन, अरे पैनिक बटन क्या करते हैं, उसके बाद क्या किया आज तक. आई एग्री विद राहुल भैया ऑल्सो, बट आई एम ट्राइंग टू गिव ऑल द पॉइंट्स, कि चार जो चार रस्ते होते हैं, मैं सारे पॉइंट्स अपने पेश करना चाह रही हूँ, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रही हूँ. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक एक हाँ भी है और एक ना भी है. पहला पॉइंट ये है कि आपका FIR नहीं लिया, ठीक है ना, नाम नहीं आया उसमें, आपने सिट्टा में कंप्लेन करी. अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो प्रश्न था उसका जवाब दे रही हूँ मैं. उसके बाद आपकी एक मीटिंग होती है जिसमें सेटलमेंट की मीटिंग होती है, या कॉम्प्रोमाइज वर्ड होता है, या सेटलमेंट या वो क्या विड्रॉ, दूसरे पॉइंट्स वो होते हैं. आप डर, एक एक ऐसा है जब इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है. उसके बाद आपने 15 महीने काम भी किया है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये पिक्चर की वजह से मैं डर गई, घबरा गई, मैं अमेरिका चली गई. आप हमारे आज हिंदुस्तान में आके आप अमेरिका की बढ़ाई कर रही हो क्या, हमारा कानून को आप, आपने कंप्लेन नहीं करी, हमारी प्रॉब्लम है. आज भी नहीं करी जब ये सब मीडिया ट्रायल चल रहा था, तभी क्यों नहीं करी आपने. मुझे चिल्लाने का शौक नहीं है, मेरी आवाज़ लाउड है, पर मैं एक क्लैरिटी करना चाहती हूँ. हमें भी दुख होता है, किसी कोई हर्ट होता है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, विमेन शुड बी प्रोटेक्टेड. भैया डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग, विमेन शुड बी प्रोटेक्टेड. अरे आप वुमेन को लेते हैं, जो माँ ने आपको पैदा किया, वही लड़का पैदा हुआ ना, तो आप तुम लड़का को सबरी मेला मंदिर में लाओ कर रहे हो, महिला को नहीं कर रहे हो. मंदिर में भी इश्यूज लगा रहे हैं आप एंट्री के लिए, देवी मानते हो, पूछते हो आप, नवरात्र आने वाले, देवी बोलते हैं, मानते हैं, भारत माता की जय, भारत क्या है, माता की जय. जब माता ही बोला जाता है तो उस औरत को नीलाम किया जाता है, उस औरत नीलाम होती है, समाज में मारा जाता है, एसिड फेंका जाता है, कत्ल किए जाते हैं, डिस्ट्रॉय किया जाता है. तो क्या महिला की बातें हो रही है,
पेट बातों से भरेगा, इसमें कुछ एक्शन होगा जिंदगी में समाज में। बोलना बहुत आसान है, करना कर्तव्य करना जो होता है। आप एक ये किताब लेते हो, मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं कर रही भैया, मैं आप एक किताब लेते हो उसका आप उसको वो करते हो ना, हाथ लगा के बोलते हो मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा। सत्य क्या, सत्य क्या होता है? सत्य ये कलयुग है। द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया पैसे का खेल है सब जगह, जहां भी खोलो दरवाजे वही पैसे का खेल है सब जगह। हमारी सोसाइटी में सोसाइटी को हम ये करेंगे वो करेंगे, कहा आप चिल्लाते रहो चीखते रहो, तारीख पे तारीख होगी। सनी भैया की जो पिक्चर आई थी गाजर था ना, वो तारीख पे तारीख तारीख पे तो चलता रहता है, ये हकीकत है। मैंने केसेस किए और आते हुआ कि क्या हो गया तारीख पे तारीख, वो बोलती है पहले से बोल रही है, उसने बोला 15 दिन के बाद देखना क्या होगा, उसको मालूम था कि 15 दिन में जजमेंट क्या आने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, जुडिशरी का चक्कर क्या है भैया, क्या बोलना चाह रही है आपको कानून का फैसला मालूम है? उसने 15 दिन पहले बोल दिया था मीडिया को, 15 दिन बाद देखो क्या होगा, वही हुआ जो उसने बोला। तो पैसे का खेल ली तो और क्या है ये सब। आप कानून के बारे में बोल रही है, आपको पता है कि कानून में क्या आने वाला है? इंसान यहाँ पे जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं आप, जो भैया ने जिस तरीके से बोला कि ये इंडिया, हमारे इंडिया में आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारे हिंदुस्तान में आज पीएम मोदी जी हैं। आज उनकी वजह से कहीं ना कहीं डर पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं डरते हैं लोग, कहीं ना कहीं डरते हैं लोग। अब सोसाइटी में धर्म के नाम पे कांड हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप इसको बदनाम करते हो उसको, आप देखते नहीं कोई किसके लोग ही क्या है क्या नहीं। 17, 18, 16 साल के बच्चे लोग, जब ये बॉम्बे बंद हुआ था अभी की बात है, ये क्या था लोग, मैं बालकनी से देख रही, मैंने चिल्लाया लोगों को, बच्चे लोग को, मैंने कहा तुम एजुकेशन करो यार, ये क्या कर रहे हो बच्चे लोग, तुम लोग क्या फ्यूचर बना रहे हो, ए दुकानें बंद करो दुकानें बंद करो। मैंने कहा हेलो, कोई दुकानें बंद नहीं होगी, क्या दादागिरी। तो दिस इज माहौल क्रिएट कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स की वजह से आज हम आम जनता पिस रही है। हमको पीस चाहिए, शांति चाहिए, हमको कांड नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, वी वॉन्ट टू लिव इन पीस। अमित चलो, थैंक यू।